नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम अभ्यास करेंगे अपने थर्ड चैप्टर परमाणु एवं अणु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो इन्हें आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपके सामने प्रश्न आए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोचिए कि उसका क्या आंसर हो सकता है, या फिर उसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं और फिर उसको अपने आंसर के साथ में मैच करिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी अभी और करनी बाकी है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक अभिक्रिया में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन अभिकृत होते हैं और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान का सृजन होता है, यानी कि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है ना, और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया करने से पहले आपस में संयोग या उनका वियोग हो, उनका टूटना हो, ठीक है, ये सारी चीजें करके एक नया रिजल्ट देते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के द्रव्यमान के। तो सबसे पहले हम इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख लेते हैं। देखिए, कार्बन, कार्बन ने किसके साथ में संयोग किया? ऑक्सीजन के साथ में संयोग किया, ठीक है, और उत्पाद के रूप में क्या निर्मित कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में निर्मित कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया है, कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया है? 32 ग्राम, ठीक है, और इधर साइड उत्पाद में इन्होंने कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित की है? 44 ग्राम। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए, उत्पाद की तरफ तो एक ही पदार्थ आपको दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका टोटल द्रव्यमान कितना है? 44 ग्राम है। अभिकारकों की तरफ हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, आप क्या कर सकते हो, 12 प्लस 32 करने पर आपको कितना प्राप्त होगा? 44 ग्राम। वो किसके बराबर है? इस वाले 44 ग्राम के बराबर। तो आपको पता चला कि अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर है? उत्पादों के टोटल द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ठीक है, समझ गए। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न के आणविक द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन अणु यानी कि H2, ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2 गुणा परमाणविक द्रव्यमान। किसका? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमको हाइड्रोजन अणु का आणविक द्रव्यमान निकालना है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन या H के कितने आपको परमाणु दिख रहे हैं? 2, इसलिए हमने किससे गुणा किया है? 2 से, और हमें निकालना है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, अणु का, है ना, तो हम उसके एक परमाणु के द्रव्यमान से उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन अणु है उसका द्रव्यमान टोटल कितना आ गया?
दो द्रव्यमान इकाई या फिर दो इकाई, ठीक है, हाइड्रोजन अणु का आणविक द्रव्यमान दो इकाई आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान जल के अणु का या फिर H2O का, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर दो गुणा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दो गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो आपको पता है अभी अभी यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया है ना, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, तो ये तो हो गया दो गुणा एक, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 और इसका आंसर कितना हो गया, 18 द्रव्यमान इकाई या फिर 18 यूनिट या फिर 18 इकाई, समझ गए आप लोग। इसी प्रकार से आप लोग अपनी किताब में अन्य कुछ और अणुओं के द्रव्यमान के परिकलन के क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, तो उनको भी आप करने की कोशिश करना, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र, किसका आणविक सूत्र होता है, साधारण नमक का, ठीक है। तो NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हमने आणविक द्रव्यमान निकाले थे, ठीक है। इसमें सोडियम का परमाणु द्रव्यमान को अगर जोड़ दिया जाए क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान के साथ में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 इकाई, ठीक है, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 इकाई, ठीक है। तो इससे हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 58.5 इकाई, ठीक है। और अगर इसे हम ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 58.5 ग्राम, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या हो गया, 58.5 इकाई या फिर 58.5 यूनिट, ठीक है। हम अपना अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। क है कैल्शियम कार्बोनेट और ख है कॉपर नाइट्रेट। हम रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं तत्व प्रतीक या फिर सूत्र, ठीक है, और उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, आवेश, ठीक है, उन तत्वों पर या उन पदार्थों पर, उन अणुओं पर जो भी आवेश है उसको हम लिखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में सबसे पहले हम कैल्शियम का प्रतीक लिखेंगे। कैल्शियम का क्या प्रतीक होता है, Ca, ठीक है, और कैल्शियम पर कितना आवेश होता है, इस पर होता है 2 पॉजिटिव या 2 धनात्मक आवेश, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट को आप लोग लिखेंगे CO3, ठीक है, और इस पर आवेश कितना होता है, 2 नेगेटिव या फिर 2 ऋणात्मक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर क्रॉस गुणन करते हैं। तो जो ये कैल्शियम है ये इस 2 ऋणात्मक या 2 आवेश के साथ में मल्टीप्लाई या गुणा हो गया, ठीक है, और जो ये कार्बोनेट है यानी कि CO3 वह इस 2 के साथ में गुणा हो गया, ठीक है। तो ये जिस सूत्र का निर्माण करेंगे वह क्या बन जाएगा, Ca2CO3 का होल ट्वाइस, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो CaCO3। ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब हम कॉपर नाइट्रेट के लिए भी सेम चीज करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तत्व प्रतीक या फिर सूत्र, ठीक है, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, आवेश, ठीक है। यहाँ पर कॉपर और नाइट्रेट है ना, तो आपने कॉपर का प्रतीक लिखिए। सबसे पहले कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu, है ना, और इस पर आवेश कितना होता है, इस पर आवेश होता है 2 धनात्मक, ठीक है। नाइट्रेट के लिए आप लिखते हैं NO3, ठीक है, और इस पर आवेश होता है 1 ऋणात्मक, ठीक है। अब हम करते हैं क्रॉस गुणन,
या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये NO3 इस दो के साथ में गुणा होगा और ये कॉपर इस एक के साथ में गुणा होगा, ठीक है। और हमें क्या इसका रासायनिक सूत्र मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Cu, क्योंकि एक के साथ में गुणा है, ठीक है। तो यहां पर एक लिखने की तो जरूरत है नहीं हमको, है ना। तो Cu NO3 का होल ट्वाइस, तो बन गया आपका कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। यहाँ पर आपको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 इकाई और आयरन का या फिर लोहे का परमाणु द्रव्यमान 56 इकाई दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 100 ग्राम सोडियम का क्या मतलब है, तो 100 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, किसका मोलर द्रव्यमान, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान, है ना, गुणा एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 × 10²³, है ना, इतनी ही तो संख्या होती है। तो कितना हो गया, 6.022 × 10³³ संख्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, सोडियम परमाणुओं की संख्या हम निकाल रहे हैं 100 ग्राम सोडियम के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे अब आप लोग, अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको कितना द्रव्यमान दिया गया है, 100 ग्राम सोडियम दिया है यानी कि 100, ठीक है, बट्टे कितना मोलर द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है सोडियम का, 23 इकाई, ठीक है, और गुणा 6.022 × 10²³, ठीक है। तो जो सोडियम परमाणुओं की संख्या है वह इसको कैलकुलेट करने पर आ जाती है 2.62 × 10²² परमाणु, किसके, सोडियम के, ठीक है। तो ये तो हो गई 100 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या। अब सेम टू सेम आप 100 ग्राम लोहे में भी निकालेंगे, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप लोहे के परमाणुओं की संख्या में भी सबसे पहले दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर भी 100 ही है, 100 ग्राम लोहे के लिए ही निकाल रहे हैं, ठीक है, बट्टे मोलर द्रव्यमान या फिर आयरन का परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, तो कितना है, 56 इकाई, ठीक है। तो ये हो गया 56 इकाई, गुणा एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 × 10³, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके हमको प्राप्त होता है 1.07, 1.07 × 10²² परमाणु, ठीक है। अब आपको बताना है कि 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम लोहे किस में अधिक परमाणु है, तो किस में आपको ज्यादा परमाणु नजर आ रहे हैं, आपको सोडियम के ज्यादा परमाणु नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सोडियम में परमाणुओं की संख्या अधिक है जब आपको 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा दिया गया है तुलना करने पर, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहु परमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उन्हें हम बहु परमाणु आयन बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें उदाहरण दे सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन का, देखिए दो परमाणु हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का और इस पर नेट आवेश एक ऋण आवेश मौजूद है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक बहु परमाणु आयन है। आप उदाहरण दे सकते हो अमोनियम आयन का जो कि होता है NH4 पॉजिटिव, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन के चार परमाणु हैं, नाइट्रोजन का एक परमाणु है और इस पर धनात्मक आवेश आपको नजर आ रहा है। तो इस प्रकार के जो परमाणुओं के समूह होते हैं जिन पर कोई नेट आवेश मौजूद होता है वह क्या कहलाते हैं, बहु परमाणु आयन कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपका काम है कि इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और खूब सारा रिवीजन करते रहिए।